चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का या फिर पार्षद का, घर वालों का सहयोग प्रत्याशियों के साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हम इस वक्त हैं रजनी भाभी के साथ में, विजय बघेल जी की पत्नी है, और सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर है। परिवार वाले अलग अलग ढंग से अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, कोई घर संभाल रहा है, कोई दीदी गाँव तक पहुंच रही है, बेटी और दामाद भी अपने अपने तरीके से प्रचार में लगे हुए हैं। रजनी भाभी, आप सुबह से निकल जाती है, किस तरीके से प्रचार में आप झुकी हुई, कहाँ कहाँ जाती है सुबह से? सुबह मैं रोजगार गारंटी वाले महिला बहनों से मिलती हूँ और उनसे उनकी समस्या सुनती हूँ और उन्हें कमल छाप में वोट देने के लिए बोलती हूँ। किस तरीके की बातें सामने जब आप जाते हैं महिलाओं के बीच में, क्योंकि ज्यादातर जब पुरुष जाते हैं तो महिलाएं खुल के अपनी बात नहीं कर पाती, जब एक लेडीज को देखती है तो अपनी बातें कहती है, कहीं गुस्सा भी झेलना पड़ता होगा, कहीं आपको तारीफ भी मिलती होगी। हाँ, गुस्सा झेलना पड़ता है, क्या है लोगों को जितना दो उतना कम है, है? तो किसी को मिलता है वहीं पर किसी को नहीं मिल रहा है, कोई चीज कुछ कारणवश, कुछ डॉक्यूमेंट्स के कमी कारण उनका कुछ जो लाभ मिलता है वो नहीं मिल पाता, इसलिए वो बहनें गुस्सा होती हैं कि हमारे से पीछे आए हैं, उन लोग का मिल रहा है, हमारा नहीं मिल रहा है, इस टाइप की योजनाओं का जो लाभ है, हाँ योजनाओं का लाभ है नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप की समस्याएं आती है, बाकी तो सब कुछ है। ये तो खैर मनरेगा की बात है, बाकी अब सामाजिक बैठकों में भी जाती है, जहाँ भैया नहीं पहुँच पाते वहाँ आप लोग पहुँचते हैं। हाँ, जहाँ ये नहीं पहुँच पा, वैसे तो भरसक इनका प्रयास है कि हर विधानसभा को कवर कर रहे हैं, बीच बीच अंदर अंदर जो गांव है उनमें नहीं जा पाते, तो उसमें मैं जाती हूँ, बेटी जाती है या बड़ी वाली दीदी जाती है। क्या विजय बघेल जी की बेटी है प्रतीक्षा, किस तरह की आप लोगों की तैयारी, क्योंकि आप यंगस्टर्स ग्रुप में ज्यादा जाती हैं, तो किस किस दौरा आपका कैसा होता है सुबह से? जी, मेरा अभी शेड्यूल बन चुका है यहाँ से ऑफिस से, तो मैं मोस्टली तो महिला मोर्चा के साथ जाती हूँ, कहीं कहीं पे युवा मोर्चा भी साथ में होते हैं, तो टारगेट यही रहता है कि पहले तो महतारी वंदन योजना, जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायी है और उसका असर भी दिख रहा है लोगों के बीच, बहुत खुश हैं वो लोग, तो वो एक पॉइंट रहता है कवर करने के लिए, तो वो सबकी नज़र में है। कोविड के टाइम पे जो हम लोगों ने इतने अच्छे से मैनेज किया था, वैक्सीन हमने इंडिजीनियस बनाई थी, तो वो सभी युवा जानते हैं, सिर्फ उनको थोड़ा सा बताने की जरूरत होती है। जिस तरीके से कांग्रेस के घोषणा पत्र में बातें निकल करके आ रही हैं कि संपत्ति को लेकर के महिलाओं के गहने, मोदी जी ने लगातार मंचों से बातें कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग ये बात को कैसे पहुंचाएंगे अब? देखिए, पहली बात तो है जो वो कह रहे हैं वो पॉसिबल है नहीं करना, और दूसरी बात, किसी की पर्सनल इनकम को आप सर्वे करके लेके दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो वो भी पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, कल भी मैं जहाँ गई थी वहाँ पे पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये बताने के लिए कि क्या क्या घोषणा पत्र में नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो हम भी उसी तरीके से उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी और सांसद विजय बघेल के प्रचार में कार्यकर्ता तो जुटे हैं, लेकिन पूरा परिवार उनका सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहा। हमारे साथ उनकी दोनों बड़ी बहनें हैं। दीदी, किस तरीके से आप लोग जा रही हैं? हम लोग जो क्षेत्र में ये लोग नहीं पहुंच पाते, जैसे रजनी है, मतलब विजय की वाइफ और विजय उनकी बेटी, सब अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। मैं अपना अलग क्षेत्र में जाती, मेरा ग्रुप पूरा अलग तैयार रहता है, टीम। अब टीम के साथ हम निकल रहे हैं, सब आज बेला साइड निकलेंगे, बेला, भिमोरी, पीरदा, वहाँ पर और आसपास गांव है, उस तरफ जाएंगे और समझाते हैं। हाँ, महतारी वंदन वाला, और कुछ लोग तो समझते नहीं, तो उनको बिल्कुल समझाना पड़ता है, एकदम ये टाइप के रहते ना गांव वाले, 2000 तो मिले से उतना ही मिले, या तो मिली ना आगे मिली। मैं भैया के दोहरा रिश्ता है मेरा, रजनी बहन जी से भी और इनसे भी, तो जाते हैं और उन्हें हर चीज मोदी जी की हर जो गारंटी योजना है उसके बारे में बताते हैं, और अधिक से अधिक मतदाताओं को हम लोग मतदान करने के लिए प्रेरणा करते हैं। हाँ, मैं घर में रहती हूँ, आने जाने वालों का देखभाल, खाने पीने का इंतजाम, विजय रजनी लोग जाते हैं, उनको विदा करना, क्या खाएंगे क्या करेंगे आने से, वो दे आ गया विजू भी। मैं विजय भी आ गया, मामा की लड़की हूँ। अच्छा, हाँ, पूरा परिवार है। हाँ, पूरा परिवार है सब, हम हमारे मेरे हस्बैंड भी हैं, सारे सब लोग यहीं हैं। मैं रोज दीदी लोग के साथ निकल रही हूँ, मैं यहाँ से घर में अभी संपर्क कर रही हूँ, जो जानती हूँ कि उस समय अपोजिट थे। अच्छा, फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट कर, उस समय आप लोग क्या किए मुझे मतलब नहीं है, इस बार विजय मामा जी को देना है, ऐसा रिक्वेस्ट करती हूँ। और अब देखिए भैया के घर की टीम विदा हो रही है, और भांजी हैं, बहनें हैं, और
सब पूरी टीम यहाँ पर परिवार की जुट चुकी है, बेटी भी अभी निकल जाएगी। प्रत्याशी चाहे किसी भी पार्टी का हो और जब बात चुनाव की आती है तो हर कोई मिलजुल कर साथ देता है और ऐसा ही साथ सांसद विजय बघेल के उनके परिवार का मिल रहा है। हम आपको और भी जो प्रत्याशी है लोकसभा के उनके परिवार की भी खबरें दिखाएंगे कि वो भी किस तरीके से प्रचार में जुटे हुए हैं, क्योंकि आखिर चुनाव तो सबके लिए एक जैसा होता है। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।